यहाँ पर सिम्फनी सेवन के कई सारे म्यूजिकल प्रोग्राम में हमेशा उपस्थित रहने वाली अर्पिता सावंत जी हैं। आप भी अपनी 30 सहेलियों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अगर इस बात को संजय परब साहब कहीं पर सुन रहे तो उन्हें मान लेना चाहिए कि सिम्फनी सेवन का प्रोग्राम अब मिनी थिएटर का विषय नहीं है। आपको मेन ऑडिटोरियम यहाँ पर बुक करना पड़ेगा अभी कुछ दिनों बाद। हेलो, अभी अर्पिता जी का नंबर लेता हूँ मैं, ताकि मेरे अगले प्रोग्राम में 30 सीटें जी हाँ फिक्स है ना। आलोक जी, हाँ जी, दरअसल मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत कुछ बातें बताने के बाद जो सामने संगीत प्रेमी हैं ये फिल्म को पहचान जाते हैं, गाना पहचान जाते हैं कि कौन सा गाना पेश होने वाला है। अब मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, यहाँ पर लोग पहचान जाएंगे कि कौन सा गाना है। राजेश खन्ना और वहीदा रहमान एक नाव पर सवार है, बस अब आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अब फिल्म का नाम भी आप ही बता दीजिएगा, खामोशी। चलिए रिवाइंड कर, रिवाइंड कर, थोड़ा रिवाइंड कर। मुझे लगा मंदार बोलने वाला है, एक लाइन बोले। मंदार क्या कहा आपने? मैं एक लाइन बोलूंगा। हाँ वही ये लाइन थी हाँ, मुझे लगा कि आप बोलोगे फिल्म का नाम है सफर वो जो बोल दिया और गाना है तो पब्लिक फटक से पहचान जाएगी। जी हाँ अच्छा, एक्चुअली ये मुझे क्लू चाहिए था। जीव थी ये शाम ही अजीब वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, झुकी दबी दबी हसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो। वो शाम कुछ अजीब थी, दबी हुई सी चाह में।
मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, यही ख्याल है मुझे के साथ आ रही है वो शान कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। दोस्तों हर गीत के बाद ये आवाज़ आएगी दिल से वंस मोर की, लेकिन समय की सीमा है, समय की नज़ाकत है, 7 बजे तक हमारे पास समय है, और अगर कुछ वंस मोर हो सकता है इस कार्यक्रम में तो बस आपकी ज़ोरदार तालियां। और जितने सारे सम्मान्य लोग हमारे सामने हैं, इनमें बोरीवली में जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, इनमें कई सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपना 100% योगदान दिया है इस विषय में। एक संस्था है कला प्रतिष्ठान, उसके विजय तारी साहब आज हमारा साथ देने, सहयोग देने सामने मौजूद हैं। विजय तारी साहब, सिम्फनी 7 की ओर से आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कई सारे म्यूजिकल प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र श्री पवार साहब भी मौजूद हैं, और एक विशेष बात, मराठी जो फिल्में होती हैं, ये लो बजट की फिल्में होती है, माना जाता था एक समय ऑस्कर तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन ये सब कुछ झूठ साबित कर दिया, और श्वास नामक एक फिल्म जो ऑस्कर के लिए चली गई थी, और श्वास के निर्माता प्रोड्यूसर मोहन परब साहब आज सामने मौजूद है, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सिम्फनी 7 की ओर से। तो सुपरस्टार राजेश खन्ना और उनके दीवाने, इनकी तो बात ही कुछ और है। कहते हैं कि राजेश खन्ना के चाहने वाले, उनके फैंस, उनकी कार को किस करते थे, चुंबन लेते थे, और पूरी कार लिपस्टिक के निशानों से सज जाती थी। कुछ चाहने वाले तो ऐसे भी थे जो 70 के दशक में इस सुपरस्टार को अपने खून से पत्र भेजा करते थे, लेटर भेजा करते थे। महानायक अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार कहा जाता है, पर उनसे पहले जिस कलाकार को सुपरस्टार की हैसियत से फिल्मी दुनिया में और सिनेमा प्रेमियों ने सलाम किया, वे थे राजेश खन्ना। लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बन गए थे वे। उस दौर में हर युवा उन्हीं की तरह दिखने, बोलने और चलने की कोशिश करते नजर आते थे। तो अब इंटरवल से पहले का ये गाना है, इसे पेश करेंगे अब। आनंद बख्शी साहब का लिखा गीत है, पंचमदा का संगीत है, और आशा जी के संग स्वयं पंचमदा ने इस गीत को गाया था। फिल्म है अपना देश। आपको पता है ये गाना इंटरवल से पहले क्यों रखा है, पता है? मैं बताता हूँ आपको। संजय जी का दिमाग देखिए, इस गाने से पहले ऐसा कुछ है ना, राडी बर्मन साहब का, तो मेरी आवाज़ ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए बीच में इंटरवल रखा है। बाद में मैं चाय पी के आऊँगा तो मेरी आवाज़ ठीक हो जाएगी। ऐसे मैं कुछ पीछे करता रहता हूँ। आप तालियां बजाएं और हंसिए। आपको पता है ये गाना इंटरवल से पहले क्यों रखा है, पता है? मैं बताता हूँ आपको। संजय जी का दिमाग देखिए, इस गाने से पहले ऐसा कुछ है ना, राडी बर्मन साहब का, तो मेरी आवाज़ ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए बीच में इंटरवल रखा है। बाद में मैं चाय पी के आऊँगा तो मेरी आवाज़ ठीक हो जाएगी। ऐसे मैं कुछ पीछे करता रहता हूँ। आप तालियां बजाएं और हंसिए। दुनिया में लोगों को
खुशबू का कभी हो जाता है आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है दुनिया में लोगों को धोखा तभी हो जाता है आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है इसमें ताले हो जाए साथ में हाँ क्या बात हाँ वेरी गुड सर आप क्यों आंखों में यारों का दिल हो जाता
थैंक यू। सिम्फनी सेवन आपका बहुत बहुत स्वागत करता है आज के इस कार्यक्रम में। बीते जमाने के मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना को आज हम याद कर रहे हैं उनके सुपरहिट गीतों के साथ। कुछ संगीत प्रेमियों को यहाँ पर सम्मानित करना है जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है आज के इस कार्यक्रम में, हमारा हौसला बढ़ाया है। भारत पेट्रोलियम का जिक्र होता रहा कार्यक्रम के शुरुआत से ही। मैं भारत पेट्रोलियम से मिस्टर अमित गर्ग साहब से निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज़ मंच पर आइएगा, और मैं हमारे सिम्फनी सेवन के संजय परब जी और हमारे साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप इन्हें यहाँ पर सम्मानित करें। हम तालियों के साथ इनका यहाँ पर स्वागत करेंगे। इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया है हमारे भारत पेट्रोलियम से, मिस्टर अमित गर्ग। साथ में ही मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा भारत पेट्रोलियम से ही मिस्टर अनुराग सरोगी। आपको प्लीज आप मंच पर आइए मिस्टर अनुराग सरोगी। साथ ही साथ यहां पर एक नेशनल बैडमिंटन प्लेयर जो भी भारत पेट्रोलियम से ही है, मिस्टर अकुट भूषण, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मंच पर आए। इनके अलावा एसआई ग्रुप से मिस्टर हेमंत अठोले साहब, आपसे भी दरख्वास्त हैं कि आप प्लीज मंच पर आइएगा। विनती ऑर्गेनिक्स के मिस्टर हरिहरन, आपसे निवेदन है कि आप भी प्लीज मंच पर आइए। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के मिस्टर संदीप जोगलेकर साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मंच पर आए। भूषण स्टील के मिस्टर प्रदीप वोरा साहब, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी प्लीज मंच पर आइए। एशियन पेंट से मिस्टर वी सुब्रमण्यन, आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पर आइएगा। और यूनियन बैंक जो आज के हमारे स्पॉन्सर हैं, इनकी ओर से कोई रिप्रेजेंटेटिव सामने मौजूद हैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी प्लीज मंच पर आइएगा। अब मैं हमारे सभी साथी कलाकार और सिम्फनी सेवन के संजय परब साहब, आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वक्त मंच पर मौजूद सभी सम्मानीय अतिथियों का यहां पर स्वागत करें, उनका सम्मान करें। सबसे पहले मिस्टर अमित गर्ग साहब। मनीषा जी, अमित गर्ग साहब। मिस्टर अनुराग सरोगी। आलोक अनुराग जी को यहां पर सम्मानित कर रहे हैं। मिस्टर अकुट भूषण, आपको यहां पर सम्मानित करना चाहेंगे। दीपक जी, आपसे निवेदन करूंगा कि अकुट जी का यहां पर स्वागत करें। एसआई ग्रुप से यहां पर उपस्थित मिस्टर हेमंत आठवले, संजय जी उनका यहां पर सम्मान कर रहे हैं। विनती ऑर्गेनिक्स के मिस्टर हरिहरन, आपका भी यहां पर सम्मान करना चाहेंगे। सुराज, उनका यहां पर स्वागत करेंगे। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज से मिस्टर संदीप जोगलेकर यहां पर मौजूद हैं, आपका भी स्वागत करूंगा। नागेश, उनका यहां पर सम्मान कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। भूषण स्टील से मिस्टर प्रदीप वोरा साहब को फेलिसिटेट करना चाहेंगे हम, मिस्टर प्रदीप वोरा। और नागेश जी, उनका यहां पर स्वागत करेंगे। एशियन पेंट से यहां पर उपस्थित मिस्टर वी सुब्रमण्यन, आपका यहां पर सम्मान होगा। आलोक जी, आपसे निवेदन है कि सुब्रमण्यन साहब का यहां पर आप स्वागत करें, उनका सम्मान करें। और यूनियन बैंक से आप हमारे साथ ही विजय गावड़े साहब यहां पर उपस्थित हैं, दीपक जी से निवेदन करूंगा कि विजय जी का यहां पर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सिम्फनी सेवन की ओर से। और कई सारे हमारे जो म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, प्रस्तुतियां होती हैं, उस दौरान इनका बहुत ही बड़ा सहयोग होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। एक बार फिर से गीत संगीत की इस महफिल में आप सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत करता हूं, और सभी कलाकारों से निवेदन करता हूं कि यहां मंच पर आकर हम इंटरवल के बाद का ये कार्यक्रम यहां पर शुरू करें। विशेष रूप से एक नाम यहां पर जिक्र करना चाहूंगा, मिस्टर नितिन विचारे साहब,
जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है, सहयोग होता है, साथ मिलता है हमेशा ही जब जब सिम्फनी सेवन कोई म्यूजिकल प्रोग्राम पेश करता है। विचारे साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। और अब राजेश खन्ना साहब के सुपरहिट गीतों का सफर इंट्रोल के बाद शुरू होता है। आनंद बख्शी साहब ने गीत की रचना की थी पंचमदा के संगीत में, जिसे किशोर कुमार ने गाया था, लेकिन आज सिर्फ संगीत के साज के साथ उस गीत को यहाँ पर पेश करना चाहेंगे। फिल्म है आपकी कसम। आज संगीत की दुनिया के जो युवा होनहार कलाकार हैं इस मंच पर इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हैं। फिर एक बार सिम्फनी सेवन की ओर से मेरे ख्याल से नागेश, ये पहला मौका है आपका कि सिम्फनी सेवन के कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं। कई सारे म्यूजिकल प्रोग्राम में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। मुंबई में कई सारे बड़े बड़े म्यूजिकल प्रोग्राम होते हैं, इसमें सैक्सोफोन के लिए नागेश जी को बुलाया जाता है। और आज के जनरेशन में एक युवा टैलेंट इस सास के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जान फूंकते हैं, लेकिन आप जान के साथ जिगर भी फूंकते हैं यहाँ पर सैक्सोफोन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये थे नागेश कोड़ी, सैक्सोफोन पर साथ दे रहे हैं, और गिटारों पर आज यहाँ पर सुराज परब।
मैं फिर एक बार इस महफिल में बुलाना चाहूँगा आज जो गायक कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं, मनीषा और आलोक जी। आलोक जी, वैसे तो हर एक गीत के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अब समय की सीमा को पहचानना है, इसके लिए जल्द से जल्द आगे बढ़ेंगे। और मनीषा जी, इंटरवल हुआ था, लोग चाय पीकर आए हैं, लेकिन अब चाय पीने की बारी काका जी। नहीं, वो चाय नहीं, वो भांग है। वो चाय में जब भांग मिलेंगे नहीं तब तो होगा। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या कहा? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है ना? नहीं नहीं, Thank you.
शादी से डरते हैं, शादी से पहले तो सब अच्छा लगता है, सारी उम्र को फिर रोना पड़ता है। अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया। आलोक जी, समय आपको जाने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गाने यहाँ पर हमें पेश करने हैं, तो बस आप बने रहिए यहाँ पर। वैसे तो चाय की बातें हो रही थी, फिर एक बार शायद आज की शाम जाम पे बहुत भरोसा रखते हैं। जाम की ना, वहाँ नागेश को बोलो, काका जी तैयार हैं यहाँ पर, और रंगों पर कई सारे गाने बने हैं। खंबा, हाँ, खंबा भी है। तो चलिए, फिल्म का नाम आपको बता देते हैं, सौतन के बाद बारी है फिल्म प्रेम नगर की। वंस मोर करना गाने को, हाँ, खंबा खत्म करने का आज। आनंद भाई दो अंतरे ना, दो अंतरे, वंस मोर के बाद करेंगे। हे लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, कब मुझे छोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम कब तलक हो मेरा दिल तोड़ेगा, ये मुझे छोड़ेगा। किसी का भी लिया ना नाम तो आईया तू ही तू, ये तो प्याला शराब का बन गया ये लहू है, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, कसम डाल दी पीऊंगा किस तरह, पीने की कसम डाल दी पीऊंगा किस तरह, ये न सोचा तूने यार मैं जीऊंगा किस तरह, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा।
ना जाऊं कहीं छोड़ के मदरा ये शहर, चला जाऊं कहीं छोड़ के मदरा ये शहर, ना तो यहाँ अमृत मिले पीने को ना बियर, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम कब तलक हो मेरा दिल तोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। दोस्तों, आलोक जी के साथ नागेश जी जो आज यहाँ पर एक अभिनेता के तौर पर मौजूद हैं, उनके लिए बस एक बार फिर से तालियां होनी ही चाहिए। क्या कमाल का अभिनय यहाँ पर करते हैं, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का अभिनय याद दिला रहे हैं। वैसे उनका अभिनय करना बहुत चुनौती होता है, अगर बात भारत भूषण की होती तो अलग थे, वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होती अभिनय की, लेकिन वाकई कमाल कर रहे हैं यहाँ पर नागेश जी। इसके बाद मैं दीपक साहब आपको मंच पर बुलाऊंगा। एक फिल्म के बिना आज का ये पूरा का पूरा विषय अधूरा है, और वो फिल्म है सलील चौधरी के संगीत में आनंद। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन में ही जागे, पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन में ही जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चल जाए सपनों के आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यू चल जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए, कभी ये रुलाए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर आज ये एक चुनौती भरा काम कर रहे हैं, म्यूजिकल जो ट्रैक बज रहे हैं इन्हें ऑपरेट कर रहे हैं मिस्टर आनंद केसरकर। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है और ये पूरा क्रेडिट जाता है हमारे साउंड सिस्टम जिनकी है, बोरीवली की विख्यात साउंड सिस्टम है राज साउंड, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वीडियो फोटोग्राफी का जिम्मा आज यहाँ पर उठाया है विनायक वाडकर साहब ने, और जो लाइट्स है लाइट्स ऑपरेटिंग कर रहे हैं मिस्टर प्रशांत जोशी। आप सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आनंद जी, हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं आराधना की ओर। आराधना, वैसे मैं मंदार जी को भी यहाँ इंट्रोड्यूस करता हूँ, सब लोग का इन्होंने इंट्रोडक्शन करके दिया। आज का ये भावनाओं का दौर शब्दों में बांधने का काम मंदार जी कर रहे हैं यहाँ, इनके लिए जोरदार तालियां। लास्ट 30 साल से ये इस दुनिया में कंपेयर करके छाए हुए हैं और FM रेडियो के रेडियो जॉकी है, हर एवरी वीक में आप उनका एक आधा प्रोग्राम सुनते रहेंगे। थैंक यू। हाँ, इनके लिए जोरदार तालियां सर। तो वैसे ये बात बताना चाहूँगा कि आराधना शर्मिला टैगोर के लिए लिखी गई थी, लेकिन आज की तारीख में ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना की बनकर रह गई है। जब वे अपने सिर को झुकाते हुए मेरे सपनों की रानी ये गीत गाते थे, तब पूरे देश की लड़कियों को लगता था कि ये गाना उनके लिए गाया जा रहा है। फिल्म का नाम आराधना और वही सुपरहिट गीत आलोक के साथ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई हुक्म मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई हुक्म मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। तालियां बजा सकते इसमें, वाह, हमारा टॉनिक चाय के बाद, वाह। प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलिया पूछ रही है। प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलिया पूछ रही है। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुतम मस्तानी कब आएगी तू, पीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। Thank you.
क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुतमस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुतमस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, हे चलिया तू चलिया, हे चलिया आ तू चलिया। थैंक यू, थैंक यू। आलोक, आलोक, पब्लिक एंजॉय करती हैं जो गाने हम पेश करते हैं यहाँ पर, लेकिन संजय जी थोड़े यहाँ पर अभी चिंता में आए हैं। जैसे T20 का ये चल रहा है ना पूरा अपना IPL, तो थोड़ा एक टेंशन का समय आ जाता है वैसा उनके लिए है, क्योंकि 7:45 तक हमें टाइम है यहाँ पर। अच्छा। और एक गाना हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शुरू से ही आवाज़ आ रही है, चाय की बातें कर रहे थे लेकिन पसंद नहीं आई, उन्हें तो बस वही चाहिए, मुमताज और राजेश खन्ना। मुमताज थी और साथ में राजेश खन्ना साहब, फिल्म थी आपकी कसम। अच्छा। तो बस उनके लिए, जी हाँ, अच्छा, बस वही गीत पेश करना चाहेंगे यहाँ पर। नागेश जी कहाँ पे, नागेश जी चले गए, चिताकड़ू चिटिंग चिताकड़ू के ऊपर से याद है। ये गाना जो बना था 75 की फिल्म ना, 74 बताएगा 74 की फिल्म है। और उस वक्त देखिए तभी किशोरदा का किशोरदा 25,000 रुपीज़ लेते थे, आई थिंक मैंने सुना है जितना, 25,000 लेते थे एक गाने का, गाने का। और उनको पता चला कि इस गीत में, ये जो गाना है जय जय शिवशंकर, इसमें 50,000 का खर्चा किया है, 50,000 उस एक गाने के ऊपर। बहुत सा कोरस मंगाया था और इस गाने को बहुत हैवी ऑर्केस्ट्रेशन से ये किया था। तो किशोरदा को पता चला कि यार ये मेरे से ज़्यादा पैसा जा रहा है यहाँ पे, 50,000 मिल रहे हैं लोगों सबको। तो गाने में आप ध्यान दीजिए, इस गाने को, ओरिजिनल गाने को सुनिए, एंड में जब किशोरदा चिल्लाते हैं, अरे बजा बजा ईमानदारी से बजा, तू भी बजा, 50,000 खर्चा जो किया है। हाँ, या घर जाके सुनिए, आज मैं गाऊंगा, अभी मुझे मालूम है। संजय जी कितना खर्चा किया आपने आज? हाँ चलो, हाँ 1,25,000, चलो हाँ मैं बोलूँगा 1,25,000 खर्चा जो किया है, चले शुरू। और ये गाने में थे, सुनिए, गाने में तालियों की ज़रूरत है एक, और कोरस की ज़रूरत है। अब क्या गाओगे आप उसमें से, दोनों गाओगे ना? तो पहले एक प्रैक्टिस करते हैं, बोलिए जय बोलो शिवशंकर की जय। क्या बात है, अभी जैसे मैं बोलूँगा वैसे जय बोलो शिवशंकर की जय, खाली जय, फिर से एक बार जय बोलो शिवशंकर की जय। वेरी गुड, शुरू तालियों से आपके। आनंद जी ताकि मैं गलती करूं तो भी समझ में नहीं आनी चाहिए। हाँ लगे न कंकर, पता लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। ओ गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी जो तूने मुझे दान दिया वो सौरभ दी। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। ओ गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी जो तूने मुझे दान लिया वो सौरभ दी। अरे खामोशी क्यों,
तालियां, वाह वाह, जब दो दिल मिलते हैं दो दो की चार मुझको तो दिखते हैं ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं सर पे जमी पाओ के नीचे आसमान सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी जय जय शिव शंकर आटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया ओ गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी तो तूने मुझे जान लिया ओ सौरभ जी करो आनंद भैया हमारे आनंद भैया के लिए जोरदार जोरदार तालियां के भूले तेरी फुलवारी रे रस्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे रस्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे कुछ भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान तो बोलो सौरभ दी सौरभ दी जय जय शिव शंकर आटा लगे ना कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया तालिया अरे बजा रे बजा ईमानदार से बजा सवाला खर्चा जो क्या है और जो से इसको बोलते पोपट ट्रैक शो में होता है आलोक जी के लिए जोरदार तालियां क्या बात है आलोक जी साथियों इसके बाद मैं दीपक जी को बुलाना चाहूँगा एक बहुत ही अलग किस्म का गीत लेकर इस महफिल में हाजिर हैं दीपक जी हमने राजेश खन्ना का जब विषय निकलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा गाने किशोर कुमार के हैं उसके बाद रफ़ी साहब के कुछ गाने हमने मन्नाड़े साहब के भी सुने लेकिन पहली बार इस महफिल में राजेश खन्ना के लिए मुकेश का गाया गीत पेश करना चाहेंगे कल्याण जी आनंद जी का संगीत फिल्म का नाम है मर्यादा जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आई जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आई बाहर आने से पहले खिजां चली आई जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आई खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े खुशी की चाह में
ये बदनसीबी मेरी भी वहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। उदास रात है वीरान, दिल की महफिल है। उदास रात है वीरान, दिल की महफिल है। ना हम सफर है कोई और, ना कोई मंजिल है। ये जिंदगी मुझे लेकर कहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बाहर आने से पहले फिजां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। साथियों, आज जो दास्तां है, जो कहानी है, उस कहानी के नायक हैं राजेश खन्ना, और उनकी याद दिलाने वाले कलाकार अभिनेता नागेश बुरबुरे यहाँ इस महफिल में हैं। आपका दिल, आप लोग उन्हें कब से पुकार रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह तैयार हैं, लिए जा रहे हैं हमें फिल्म दुश्मन की ओर। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं इंतजार करूं, ये दिल निसार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, वो मगर कैसे एतबार करूं। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, तुम्हारी आँख है या नशे का तोड़ है ये। कहाँ कब क्या किसी से तुम्हें कुछ याद नहीं, हमारे सामने है हमारे बाद नहीं। किताबें हुस्न में तो वफा का नाम नहीं, घर मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं, मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं। अगर छे खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, अगर छे खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, निगाहें गैर से भी मगर मंसूब हो तुम। इस शायर से पूछो गजल हो या रुबाई, तुम्हारी शायरी में तुम्हारी बेवफाई हो। दामन में तेरे फूल है कम और काटे है ज्यादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा।
तरने जानती है, बसने जानती है, कहीं दिल तोड़ने के बहाने जानती है। कहीं पे सोच है तू, कहीं पे सास है तू, जिसे समझान कोई वही एक राज है तू। कभी तू रूठ बैठी, कभी तू मुस्कुराई, हर किसी से की मोहब्बत, किसी से बेवफाई, किसी से की मोहब्बत, किसी से बेवफाई। उड़ाए होश ताबा तेरी आंखें शराबी, उड़ाए होश ताबा तेरी आंखें शराबी, जमाने में हुई है इन्हीं से हर खराबी। बुलाए छाव कोई, पुकारे धूप कोई, तेरा हो रंग कोई, तेरा हो रूप कोई, हो कुछ फर्क नहीं नाम तेरा, रजिया हो या राधा। वादा तेरा वादा, 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 वादा तेरा वादा। वाह वाह, और बिल्कुल आखिरी मोड़ पर आज की यह महफिल, इस कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश करना चाहेंगे। गीत संगीत और अभिनय के साथ आज की शाम आपके साथ बिल्कुल यादगार रही। अपने प्रशंसकों के दिलों पर राज किया था राजेश खन्ना ने। उनके करियर में सन 1980 के बाद उतार शुरू हो गया। बाद में उन्होंने राजनीति में भी अपना कदम रखा और वर्ष 1991 से 1996 तक कांग्रेस के लोकसभा सांसद रहे। 1994 में उन्होंने फिल्म खुदाई से अभिनय की एक नई पारी शुरू की। उसके बाद आप लौट चले, क्या दिल ने कहा जैसी फिल्मों के साथ उनका अभिनय सफर जारी रहा। राजेश खन्ना ने श्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार 3 बार जीता और 14 बार वे नॉमिनेट हुए। और आखिर वो दिन आ गया, 18 जुलाई सन 2012 को उन्होंने अपने घर में आखिरी सांस ली। हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत जरूर हो गया, फिर भी अभिनय जगत का ये सितारा राजेश खन्ना अपने प्रशंसकों के दिलों पर हमेशा हमेशा छाया रहेगा। राजेश खन्ना की यादों को हम शत शत नमन करते हुए पेश करना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम की ये अंतिम गीत रचना। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहाँ पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कटकटियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। मौत से ही
समझा नहीं कोई जाना नहीं ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं को जीने से पहले की मौत आ गई से भी है जो खिले भी नहीं जिनको खिलने से पहले फिजा आ गई गए चारा कर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं कोई जा जाना नहीं कोई जाना